हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स संगीता। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि विंटर का सीजन आ गया है और हमारा जो डाइफन का प्लांट है इसको हम कैसे केयर करेंगे कि ये पूरा विंटर सीजन अच्छे से रहे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ केयर और इसको हम कैसे लगाएंगे जो मतलब पूरा भर भर के ये प्लांट हमारे गार्डन में रह जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम इसको लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा देखिए डाइफन का पूरा मेरा गार्डन डाइफन के प्लांट से भरा हुआ है और ये प्लांट से बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको हम जैसे नर्सरी में देखते हैं कि कितने खूबसूरत ढंग से और कितना बड़ा बड़ा ये प्लांट होता है, तो हम अपने घर में भी ये उतना ही सुंदर तरीके से लगा सकते हैं। तो और इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसको लगाना बहुत ही आसान होता है। इसको हम जैसे ये हमारा प्लांट का एक दूसरा ये जो ब्रांच है इसको हम क्या करेंगे कि देखिए इसको हम कट कर लेते हैं। कट कर लिया हमने और इसको हम इससे हम तीन चार पौधा बना लेंगे। इसको हम दो टुकड़ा में कर लेते हैं। इसको हम दो टुकड़ा में कर लेते हैं। ये हमारा ये कटिंग इस तरह से किया और भी कर लेंगे अगर आपको और लगाने का जितना आपके पास गमला है उतना आप कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने दो कटिंग कर लिया। ये हमने कट करके देखिए आपको कैसे हम अपने गमले में लगाएंगे। ये हमारा गार्डन का मिट्टी है और इसमें हमने गोबर मिलाया है। गोबर मिला के ये हमने मिट्टी को रेडी कर रखा है। अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारा कट किया हुआ पार्ट है इसको हम बस इस तरीके से थोड़ा गड्ढा कर लेंगे। इसमें इस तरीके से लगाएंगे जितना भी है पूरा भर के आपको लगाने की इच्छा हो। हुआ आधा इससे इसका कट करके हमने इसमें लगाया और इसको भी हम लगा सकते हैं। तो इसके हम पत्ते को अगर चाहे निकालना निकाल दें या इसी तरह से हम इसको लगा देंगे। तो ये हमारा तो प्लांट ऐसे भी है, ये ऐसे भी हम मिट्टी में अगर लगा देंगे तो ये अच्छे से लग जाएगा। इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। किसी दूसरे पॉट में आप इसको लगा सकते हैं, किसी दूसरे गमले में इसको लगा सकते हैं। और हमको जो ये कट किया हुआ जो हमारा है इसको हम कट किए हुए पार्ट को इस तरह से हम पूरा भर भर के हम इस तरह से लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसके कटिंग को गमले में लगा दिया। और ये गमला हमको छाया में रखना है, इसको हमको धूप में नहीं रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। इसको हमको छाया में जहां थोड़ा बहुत धूप सुबह का एक आध घंटा धूप आता हो वैसे जगह पे रखना है। तो ये हमको लगभग एक महीने के अंदर इसमें ब्रांचिंग हो जाएगा। एक महीने के अंदर इसमें थोड़ा थोड़ा लीफ निकल जाएगा और उसके बाद हम इसको यहाँ से निकाल के रिपोर्टिंग कर देंगे दूसरे गमले में। तो इस तरह से ये हमारा डाइफन का प्लांट्स इतना आसानी से लगता है। बस थोड़ा सा इसको जब इस तरह का ही होता है जब कट करके हमको हम लगाते हैं तो इसको निकलने में थोड़ा समय लगता है, बट एक बार जब इसमें ब्रांचिंग हो जाती है तो बहुत सुंदर से ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो ये हमारा बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और ये एक इंडोर प्लांट है। आउटडोर में ये डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रहता है क्योंकि इसको धूप पूरा पूरा नहीं चाहिए। ये शेड में आप रखिएगा ये बाहर में भी अच्छे से रहेगा, लेकिन ये एक इंडोर प्लांट है। और इसको ये समर के सीजन में अंदर बाहर कहीं भी शेड में जहां भी आप रखिए वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बट विंटर में इसका जो ग्रो करने का कैपेसिटी हो जाता है वो कम हो जाता है, रुक जाता है, लगभग रुक जाता है, एक दो महीने रुक जाता है। जब काफी ठंड पड़ती है तो इसका ग्रोथ एकदम रुक जाता है, उसके बाद ये अच्छे से फिर
थोड़ा ठंड कम होती है तो ये अच्छे से ग्रो करता है। तो ठंडे में इसका हमको केयर कैसे करेंगे इस जायफन के प्लांट को मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास ये जायफन का सिर्फ एक ही प्लांट था, सिर्फ एक प्लांट, मैंने सिर्फ कटिंग कर करके, जैसे ही उसका ये ब्रांचिंग होता था और उसका ब्रांच थोड़ा सा मोटा हो जाता था तो बस मैं उसको कट कर करके सारे गमले, देखिए ये मेरा कितना सुंदर जायफन का गार्डन है जो मैंने भर भर के अपने गार्डन में लगाया है और ग्रोथ भी बहुत सुंदर तरीके से हुआ है हमारा जायफन के प्लांट का। तो ठंडे में इसका हम केयर कैसे करेंगे कि इसको हम कुछ मिट्टी को इसको हमको ऊपर नीचे कर देना है, बदलना नहीं है, बस इसके मिट्टी को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे किसी चीज से इसमें हम कुड़ाई करके ऊपर नीचे कर देंगे और उसके बाद इसमें हमको पानी थोड़ा ठंडे में कम डालना है, हमको लगता है कि सप्ताह में एक दिन बस पानी डालना है। और जो सूखी पत्तियां हैं इसका केवल हमको हटा देना है, सूख जाए जो पत्तियां उसको हमको हटा देना है और इसमें और हमको कुछ नहीं करना है, ये पूरा विंटर बहुत अच्छे से रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।